वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समा प्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देवा सर्व करेषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी गणेश चतुर्थी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी व्रत हर साल की तरह इस साल भी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी और इस चतुर्थी को सिद्धिविनायक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। देश के कई भागों में इस दिन गणेश जी की प्रतिमा को बैठकर लोग इनकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। इस वर्ष 31 अगस्त दिन बुधवार के दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि है। बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का होना इस व्रत के महत्व को और कई गुना दोस्तों बढ़ा रहा है, क्योंकि बुधवार का दिन जो है गणपति को ही समर्पित है, क्योंकि गणेश जी स्वयं बुधवार के ही देवता हैं और इस बार प्रभु आपके घर बुधवार को ही आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस बार जो है बहुत ही शुभ तिथि हो रही है, बहुत ही अच्छा वक्त है कि आपको कुछ भी पप्पा से मांगना है तो 10 दिनों के अंदर आप उनसे अपनी जो भी कामनाएं हैं वो आप मांग सकते हैं। गणेश चतुर्थी दोस्तों यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि का आरंभ इस बार जो है 30 अगस्त को दोपहर 3:34 पर होगा, जबकि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर होगा। इस साल गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता गणेश जी अपने साथ शुभ रवि योग लेकर के आ रहे हैं और इस योग के बारे में कहा जाता है कि इस योग में सभी अशुभ योगों के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता होती है, यानी विघ्नहर्ता गणेश जी तमाम विघ्नों को दूर करके भक्तों का मंगल करने आ रहे हैं। गणेश भगवान को यदि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि का धार्मिक दृष्टि से दोस्तों विशेष महत्व होने की वजह यह है कि इसी दिन मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गजानन गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए गणेश चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके कई भक्त 10 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ भक्त 1 दिन 3 दिन 7 दिन के लिए गणेश प्रतिमा को घर पर बिठाते हैं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर में बिठाकर इनकी श्रद्धा भाव से जो लोग पूजा करते हैं उनके तमाम संकट को विघ्नहर्ता हर लेते हैं। दोस्तों, इस बार खास योगों के साथ गणपति का आगमन हो रहा है तो आप उन्हें जो है खास वस्तुओं से भोग अर्पित करें और उनको प्रसन्न करें। गणेश जी की पूजा में मोदक का भोग लगाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा उनका फेवरेट जो है वो मोतीचूर का लड्डू है, बेसन के भी लड्डू है, लड्डू बप्पा का प्रिय है तो आप लड्डू का भी भोग लगाएं। गणेश उत्सव के 5वें और 6ठे दिन दोस्तों आप खीर का भोग लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और गणेश जी को मखाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए। दोस्तों, बप्पा को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन नहीं है, बस आप जो हैं थोड़े से प्यार से और अपना सर्वस्व अर्पित करके बप्पा की पूजा अर्चना करें, फिर देखें कैसे विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।